हेलो गाइस, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 के ऊपर। तो आज हम बात करने वाले आपके जो आपका 41 आईपीडी होते हैं, आपका बीएसएफ होते हैं, आपका सीआरपीएफ होते हैं, आपका सीएसएफ होते हैं, एसएसबी हेड कांस्टेबल होते हैं, एसएससी जीडीओ, सभी में यह टॉपिक महत्वपूर्ण पूछा जाता है। आपका मैथ का टॉपिक है सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग याद करना। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आपका किसी भी, यदि आप ट्रेड्समैन का भी एग्जाम देते हो ना, छोटा सा छोटा ट्रेड्समैन का भी, तब भी आपको इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज मैं आपको कम से कम 5 से 6 टॉप टाइप क्लियर करा दूंगा, और कल आपको 5 से 6 टाइप कल आपको क्लियर करा दूंगा, ठीक है ना। पूरे एक दिन में देखो वीडियो इतना लंबा हो जाता है, तो आपको भी पता है कि मेरी भी कुछ प्रॉब्लम है, इस कारण से नहीं हो पाता इतना लंबा वीडियो। आपको पूरे 5 से 6 टाइप मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा, इतने शॉर्टकट तरीके से क्लियर करना दोनों, आपको 100% समझ में आ जाएगा। यार एक बात बताऊंगी आपको, जो सीखता है ना वो इंसान आपको जो सिखाता है ना, उससे बेस्ट आपको कोई नहीं सिखा सकता। नहीं समझ पाए? यदि यदि आप सीख रहे हो और यदि आप किसी बच्चे को वही चीज़ सिखा रहे हो ना, वो जितना आप बेस्ट बता सकते हो ना, वो कभी टीचर बेस्ट नहीं बता सकता। तो आप ही का दोस्त हूँ, आप में से निकला हुआ हूँ और आप ही का भाई हूँ, तो आपको जितना मैं समझा सकता हूँ ना, उतना कोई भी बेस्ट टीचर नहीं समझा सकता। क्योंकि मेरे को पता है मेरे में कमी कहाँ है, और तब आपकी भी कमी मेरे को पता है कि आप में कमी कहाँ है, ठीक है ना। आप में कमी कहाँ रह गई वो भी मेरे को पता है, और मेरे में भी कमी कहाँ वो रह गई वो भी मेरे को पता है। कहाँ हम कमी करते जिस कारण से हम ये क्वेश्चन गलत होने पड़ते, वो कमी मेरे को पता है, टीचर को नहीं पता। टीचर को तो केवल ये पता है यहाँ बच्चों को इतना पढ़ाना है, वो पढ़ा मेरे से बेस्ट सकता है, पर आपको समझा नहीं सकता। समझा तो सकता हूँ मैं ही बेस्ट आपको, तो बता रहा हूँ प्लीज आप एक स्टूडेंट से पढ़िए। आप एक, मैं बता रहा हूँ आपको कि स्टूडेंट बन के पढ़ो हमेशा। आप जिंदगी में ऐसा कभी नहीं करो मैं टीचर हो गया, मैं परिपूर्ण हूँ। हर सब्जेक्ट, हर कोई भी बताता हूँ, कोई भी इंसान परिपूर्ण नहीं है। किसी भी किसी चीज़ में, किसी में कभी भी आपको, कभी भी कहीं भी आपको गलती हो सकती है, तो आप प्लीज़ ऐसा ना माने कि मैं परिपूर्ण हूँ। एक स्टूडेंट बन के आप पढ़ोगे ना, तो आपको बता रहा हूँ आपको पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे बड़े भाई है ना या छोटे भाई बहन है, जो भी है, वो प्लीज़ टॉपिक को पूरा देखे, ठीक है ना। और टॉपिक को यदि आप पूरा देखोगे, आपको 100% समझ में आने वाला है। और हाँ, वीडियो को पूरा देखा करो यार, नहीं है नहीं कि 2 मिनट वीडियो को देखते हो फिर चले जाते हो, नहीं भाई, पढ़ना है। यदि जो पाना है इनमें से, यदि एक जो पाओगे ना आप, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आज को क्या डेट आपको पता है? 15 अगस्त है। यदि 15 अगस्त 2021 में यदि आपने ठान लिया कि 15 अगस्त 2022 को मैं अपने माँ बाप को वर्दी में पहना हुआ पाऊँ, यानी वर्दी पहना हुआ दिखाई दूँ, वर्दी का सपना पूरा करो अपने माँ बाप का, तो प्लीज आज ही इस यूट्यूब चैनल से जुड़ जाओ यार। पहले तो मैं आपको बता दूं कि 15 अगस्त की मैं आपको शुभकामनाएं दे सकता था, पर मैं आपको जो मोटिवेशन देता हूँ वो मेरे को देना था। अभी मैं देता हूँ आपको 15 अगस्त की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी, आपके और आपके परिवार को, मेरी और ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बताना चाहूंगा कि यार ये ना, ये पोस्टेज, ये पोस्ट है ना, ये देश की बहुत ही जाने मानी फोर्सेज है। तो इन फोर्सेज में यदि आप भर्ती होते हो ना, तो आपको बहुत अच्छा गर्व महसूस होगा अपने और अपने माँ बाप का। तो इनमें यदि भर्ती होना है तो इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ना होगा, और इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ना है तो आपको ये पढ़ना तो पड़ेगा भाई, पढ़ना तो पड़ेगा। पढ़े बिना आप सिलेक्शन नहीं हो सकता। पहले वाला जमाना गया कि फिजिकल फिट हो गए हमारा सिलेक्शन हो गया, नहीं हो सकता भाई। मैथ रीजनिंग आपको क्लियर करनी होगी। आप, मैंने रीजनिंग के 2 टॉपिक मेरे से क्लियर करा दिए हैं, यदि आप चाहो तो मैं उसको व्हाइट बोर्ड पर क्लियर कराने के लिए तैयार हूँ। रीजनिंग के पूरा व्हाइट बोर्ड पर क्लियर करने के लिए तैयार हूँ। अब मेरे पास देखो डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, इतनी सुविधा मेरे पास नहीं है कि मैं आपको डिजिटल बोर्ड उपलब्ध करा सकूँ, ठीक है ना। तो मैं बता दूँ आपको कि आपको जो व्हाइट बोर्ड पर मैं आपको रीजनिंग का क्लियर करा रहा हूँ, मैथ का आपको क्लियर कराता आ रहा हूँ। प्रत्येक आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैं आज के आपको क्लियर करता आ रहा हूँ। प्लीज़ बता रहा हूँ, वीडियो को शेयर करो, चैनल को लाइक करो, और हाँ, चैनल पर पहली बार हो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन को जरूर दबा लो, क्योंकि ऐसी ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन यहाँ पर डालता हूँ जो आपको कभी पता नहीं थी और कभी ना ही पता होगी, आपको कोई नहीं बताने वाला ऐसी ऐसी जॉब की नोटिफिकेशन। तो प्लीज़ बता रहा हूँ, चैनल को आज ही सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन को जरूर जरूर दबा। चलो चलो शुरुआत करते हैं फर्स्ट से। देखो सूत्रों द्वारा संख्याओं का योग याद करना,
फर्स्ट टाइप आपका एन क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग किस प्रकार याद किया जाता है। तो एन क्रमांगत प्राकृत संख्याओं का योग याद किया जाता है, आपका सूत्र होता है एन बराबर एन प्लस एन कोष्टक एन प्लस एक बट्टा दो। क्या होता है एन बराबर एन प्लस कोष्टक एक बट्टा दो, तो ये होता है आपका एन कोष्टक एन प्लस एक बट्टा दो। तो आपको बता दूं, एक से 100 तक, 100 हो गया आपकी हमारी संख्या, और ये आपका 100 एक बट्टा दो आ गया, ये 25 आ गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब बात कर लेते हैं एक से 50 तक, एक से 50 तक आप एन प्राकृत संख्याओं का योग याद करो। तो देखो यहाँ पर लिखना आपको 50, 50 तो एन हो गया, आपको मल्टीप्लाई लगाना है, ठीक है ना, या 50 प्लस एक बट्टा दो हो गया। अब देखो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 50 लिखते हैं फिर यहाँ पर काटते हैं, ऐसा ना करो ना, आप सीधा काटो ना यार, 25 25 गुणा 51। अब बताओ 25 गुणा 51 कितने, किस प्रकार गुणा करोगे आप, कि 25 गुणा 51 का हम इस प्रकार गुणा करें कि आपका पूरा उत्तर आ जाए। तो मैं बता दूं आपको, देखो सीधा सा ट्रिक बताता हूँ आपको, देखो 25 आ गया और 51 आ गया, ठीक है। अब देखो क्या करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, यहाँ पर आपको 51 है, ठीक है ना, 51 है और ये 25 है, यहाँ पर 25 लिख देते हैं, ठीक है ना। अब देखो 25 लिख दिया यहाँ पर, जो भी करो ना वो बेसिक कंसेप्ट करो आप, कोई दिक्कत नहीं, मैं नहीं बोलता, आप भी फास्ट करो, 2 आ गया और 10 आ गया, ये 5 4 1045, ये गलत हो गया आपका, क्या हो गया, गलत हो गया आपका, ऐसे नहीं करना भैया आपको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपको, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना आपको, इसमें आपको करना है 1275 आएगा इसका आंसर, इसको सही मल्टीप्लाई करके देखो आप, यार वैसे करोगे ना आप गलत हो जाएगा। देखो 25 गुणा 51 में डालता हूँ, यहाँ पर फिर से गुणा कर लेता हूँ एक बार, आपको पूरा उत्तर आ जाएगा, 5 एकम 5, 2 एकम 2 गुणा 25 25, आसराणी 2 और 5 दूनी 10 2 12, ये 5 2 7, ये 2 1 12 75 आ गए ना, इस प्रकार यदि आपको करना है तो इस प्रकार करना होगा, 25 पहले लिखना ही होगा आपको, ठीक है ना, इस प्रकार यदि आपको करोगे ना आपका उत्तर एकदम सही आएगा, ठीक है ना। अब चलो हम बात करते हैं 1 से 80 तक, 1 से 80 तक, 1 से 80 तक, 1 से 80 तक क्रमांक संख्याओं का योग। तो देखो 80 प्लस 80 प्लस 1/2 बराबर आ गया 40 गुणा 41 नहीं 81/2, सॉरी 1/2 नहीं आएगा अभी, ठीक है, गलती से मिस प्रिंट हो जाता है यार, कोई दिक्कत नहीं, आपका भाई हूँ, आपका दोस्त हूँ। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका, तो मैं बता दूँ इसका आंसर आएगा आपका 3240, कितना आएगा 3240 इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। इस प्रकार यदि आपको करना होगा ना तो आप एकदम बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ सटीक तरीके से आप पूरे मैथ को सरल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल टॉपिक है, मैं आपको इतना बेस्ट तरीके से समझा दूंगा, आप कोई नहीं समझाने वाला, तो प्लीज आप वीडियो पर बने रहिए यार। अब अपना अगला टाइप आता है आपका एन क्रमांगत सम संख्याओं का योग, क्या आता है एन क्रमांगत क्रमांगत सम संख्याओं का योग। सम संख्याओं का एन क्रमांगत सम संख्याओं का योग याद रखना, बार अभी मैं क्वेश्चन डालूंगा आप मिस प्रिंट होगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं आप मिस प्रिंट होगे। किस प्रकार आपको करना है वो बता देता हूं मैं आपको, एन क्रमांगत सम संख्याओं का योग याद करना, एन एन प्लस एक, ये हो गया, ये सूत्र आएगा आपका, इसमें आपका जो नीचे दो था ना वो हट गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन का इस प्रकार है, आप ध्यान से रखना, एक बार बताना आप पहले मुझे कि 1 से 40 80 तक सम संख्याओं का योग बताओ, अपर सम लिखना तो आगे जरूरी नहीं है ना, 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग बताओ। अब कई बच्चे क्या करेंगे,
80 डालेंगे और 81 डालेंगे और इसको गुणा कर देंगे। भैया ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, अभी भी ध्यान दो, ये गलत हो गया। किस प्रकार गलत हो गया मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर पूछा आपको सम संख्याओं का योग, 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग है ना, तो 1 से 80 तक सम संख्या कितनी होती है आपकी, सबको बता, आपकी 40 होती है। कितनी होती है? 40 होती है, 40 होती है कि नहीं होती, और आपका गुणा 41, यह उत्तर सही होगा इसमें। अब इसमें गुणा किस प्रकार करेंगे, कई बच्चे लग जाएंगे ऐसे 40 41, ऐसे नहीं करना यार, ऐसे नहीं करना है, एग्जाम देने जा रहे हो आप। 4 एकम 4, 4 चौक 16, यह आ गया 1640 आंसर आ गया आपका। दिक्कत कहाँ है? 1640 आंसर आ गया, दिक्कत कहाँ है आपका? कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम याद करते हैं आपके 1 से 20 तक, सबसे सरल क्वेश्चन है, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग, 1 से 20 तक सम संख्याओं का योग कितना होता है? तो मैं बता दूं 1 से 20 तक किस प्रकार याद करना है आपको। वो नहीं करना है कि आपको 10 होती है सम संख्या, 10 गुणा 11। अब इसमें भी आप कर लग जाओगे, 10 ये हो गया 10 ये हो गया, ये, अरे ये क्या कर रहा है, 11 एकम 11 हो गया और एक बिंदु ये आ गया, 110 हो गया, दिक्कत कहाँ आ रही है? इस प्रकार करो आप गुणा, इस प्रकार करो, ये इस प्रकार ना करो यार, इस प्रकार तब भी करोगे, हाँ मेरे मिसप्रिंट हो रही है, मैं नहीं कर सकता। यदि शून्य की संख्या 10 भी शून्य दे दे रखी है ना अलग अलग, तो उन शून्य को तो एक साइड में रख दो आप, और जो संख्या ना उनको गुणा कर लो, और जो शून्य आगे उतने की उतने लगा दो, आपका आंसर यही होगा। दिक्कत कहाँ है आपको ये बताओ मेरे को, नहीं दिक्कत आनी चाहिए, जब तक आपका भाई आपके साथ है कोई दिक्कत आने नहीं देगा, ठीक है ना। अगला टाइप हम पढ़ते हैं। देखो भाई लोगों, थोड़ी सी देखो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि आपका भाई भी आपके साथ सीख रहा है, ठीक है ना, आपका भाई भी आपके साथ ही सीख रहा है। थोड़ी सी जुकाम की वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है आप सभी को। एन क्रमांक गते विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर, सबसे बेस्ट और सबसे सरल तरीका, एन क्रमांगत विषम संख्याओं का योग, एन क्रमांगत विषम संख्याओं का योग। चलो शुरुआत बताओ। बताओ भाई बताओ, इसमें कौन सा लियो आपका, मैं बता दूं आपको, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग, बताओ, लिख दूं 1 से 30 तक। कई बच्चे फिर भरेंगे 30 30 का, या 30 के ऊपर स्क्वायर लगा दिया और 30 30 का 900। अरे भैया 30 30 मल्टीप्लाई करोगे गलत हो जाएगा, किशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 30 तक विषम संख्या कितनी होती है आपकी, 15 होती है, कितनी होती है, 15 होती है कि नहीं होती, 30 तक विषम संख्या 15 होती है ना, तो 15 को लगाना आपको स्क्वायर, तो 15 गुणा 15 कितना होता है, कितना होता है 15 गुणा 15, जिसको वर्ग नहीं आते ना 30 तक, वो बता, ध्यान से सुन लो, वर्ग याद करा को आपको, वर्ग किस प्रकार याद करें, वर्ग 1 मिनट आपको मैं बोलकर सुना दूं, टाइम दो। तो देखो 1 1 का 1, 2 2 का 4, 3 3 का 9, 4 4 का 16, 5 5 का 25, 6 6 का 36, 7 7 का 49, 8 8 का 64, 9 9 का 81, 10 10 का 100, 11 11 का 121, 12 12 का 124, 13 13 का 121, 12 12 का 174, 13 13 का 169, 15 15 का 225, 16 16 का 256, 17 17 का 289, 18 18 का 301, 19 19 का 321, 20 20 का 400, ऐसे याद करना है। 21 21 का 441, 22 22 का 484, 23 23 का 529, 24 24 का 530, 25 25 का 625, ऐसे याद करो आप,
तभी तभी गाता सुचिंदर 27 का 700 घूमती 28 का 784 घूमती घूमती गाठ से 30 30 का 900 ऐसे याद करो। 30 तक तो वर्ग हर कैंडिडेट को आना चाहिए, 30 तक वर्ग हर कैंडिडेट को आना चाहिए। यदि 30 तक आपको वर्ग आते हैं ना, आप मैं बता रहा हूँ कम से कम झाड़ू बच्चों से आगे हो यार। बच्चों को 9 का वर्ग नहीं आता, वो 9 9 के गुणा में लग जाते। आप उनसे तो बेस्ट हो 30 तक वर्ग, और आपको कम से कम 20 तक फाड़े, ज्यादा ये नहीं बोलता कि 40 तक, याद करो 20 तक फाड़े आने चाहिए आपको। 30 तक वर्ग, 20 तक फाड़े, ये मैथ में महत्वपूर्ण चीज है। यदि ये नहीं आ रहे हैं ना तो कैंडिडेट बता दे, मैं उनको पिक भेज दूंगा पूरी, फाड़े और वर्ग की पूरी पिक भेज दूंगा आपका। 20 तक वर्ग और 30 तक वर्ग, आपके 100 तक वर्ग की भेज दूंगा और 40 तक फाड़े की भेज दूंगा। और क्या कर सकता हूँ यार, 50 तक फाड़े की पिक भेज दूंगा पूरी। तो ध्यान दो, ये वर्ग और ये आपको करने ही है। तो चलो शुरुआत करते हैं। 15 15 कितना होता है? 225 होता है। हमारे टॉपिक पे आ गए। अब देखो इस प्रकार, यदि आप अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसमें। जैसे 1 से 50 तक, चलो 60 तक ले लेते हैं। 60 तक विषम संख्याओं का योग, 1 से 60 तक विषम संख्याओं का योग। तो 1 से 60 तक विषम संख्या कितनी होती है? 1 से 60 तक विषम संख्या कितनी होती है? सबको पता है कि 30 होती है आपकी। 1 से 60 तक विषम संख्या कितनी होती है? 30 होती है। तो 30 30 का 900 हो गया, ये इसका उत्तर होगा। तो आप ध्यान दो कि 130 तक तो आपका 225 हुआ और 160 तक आपका 900 हो गया। किस प्रकार भैया? आगे संख्या भी तो ज्यादा हो रही है ना, आगे संख्या भी तो थोड़ी बड़ी हो रही है ना। तो इस प्रकार यदि आप हल करोगे ना, आपको बता रहा हूँ 100% आप सक्सेस होगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। अगला टाइप हम याद करते हैं, अगला टाइप की बात करते हैं। आपका अगला टाइप मैं बता देता हूँ, आपको कौन सा टाइप आने वाला है वो भी अभी बता देता हूँ आपको। आप तो बस वीडियो को लाइक कर दिया करो और वीडियो पर अपना टाइम, वीडियो को अपना पूरा टाइम दो यार। ये नहीं है कि आप फास्ट देख रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आना चाहिए आपका। वीडियो पूरा देखो, आपका बता रहा हूँ एक भी कमेंट नहीं रहेगा, ठीक है ना। केवल भर्ती से रिलेटेड नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा भाई इस दुनिया में। आपको यदि जॉब लेना है तो पढ़ना पड़ेगा, और पढ़ना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 2 दिन पढ़ोगे 3 दिन रेस्ट, नहीं भाई। आपको क्लास डेली दो यार, दो डेली क्लास रहता ना, वो बंदा एक दिन जरूर सफल होता है। मानता हूँ कि बड़े बड़े यूट्यूबर स्मार्ट बोर्ड से क्लासे कराते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, तब उनका ऊपर जाता है नीचे आता है। नहीं भाई, मेरे पास ऐसा नहीं है। मेरे पास ये व्हाइट बोर्ड है, ये मार्कर है, बस ये मार्कर की ताकत है। इसी मार्कर की ताकत को आपको इनमें से एक फोर्स दिवाने की पूरी ताकत में रखता हूँ। इनमें से आपको एक बेस्ट फोर्स लगे ना कि सर मेरे को ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, आपका चलो डाल देता हूँ मैं इसमें RPF RPSF SI। इनमें यदि डिफेंस में यदि आप भर्ती होना चाहते हैं, यदि डिफेंस में सेवा देना चाहते हैं ना, तो उनमें जरूर गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, मेरे को आप 6 महीने दे दो, मैं आपको पूरी एक वर्दी दे दूंगा। वर्दी पहन के बंदा आपके माता पिता के सामने खड़ा कर दूंगा, और क्या चाहिए। तो प्लीज है ना, 6 महीने दो आप, है ना, गारंटी देता हूँ आपको वर्दी पहन। चलो अब तो अगले टाइप की बात करते हैं। तो अगला टाइप आता है हमारा नंबर, टाइप नंबर आता है आपका फोर्थ। फोर्थ टाइप नंबर क्या कहता है? देखो फोर्थ टाइप नंबर कहता है कि लगातार या क्रमांगत वर्गों का योग, ठीक है ना। जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर n, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है वो ध्यान से देखो। इसका सूत्र होता है आपका n बराबर होता है n+1 2n+1/6। ये इसका सूत्र होता है। क्या होता है इसका? n n+1 जी कोस्ट है कि 2n+1/6, ये इसका सूत्र होता है। तो हम चलो याद कर लेते हैं।
चलो तो हम याद करते हैं, एक से आपका कितने तक याद करूं? 40 तक याद करता हूं। 40 तक के वर्गों का योग याद करो, वर्गों का योग याद करो। तो चलो देखो याद कर लेते हैं, वर्गों का योग याद कर लेते हैं 40 तक के। तो देखो 40 यहाँ पर आ गया, मैं इसका मान रख देता हूँ, यदि सीधा नहीं रखूँ पहले बता देता हूँ आपको कि 40 + 1 बराबर आ गया 2 × 40 + 1/6, ये हो गया आपका, ठीक है ना। ये होने के बाद में आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर लिखा देता है 40 × यहाँ पर ये तो होगा ना, गुणा तो आएगा ना, 40 × 41 आपका फिर मल्टीप्लाई होगा, देखो मल्टीप्लाई होगा, देखो 40 यदि आपको पहले किस तरह आपको मेरे बोर्ड पास पढ़ाया था, आपको क्या बताया गया कि इस प्रकार नहीं करना है कि आपको 40 × 80 + 1 = 81 गुणा करना है आपको 81/6, 6 आ गया, आ गया ना 6। अब देखो इस प्रकार यदि आप 40 + 41 से करोगे तो 41 का भी आपका 81 आएगा, क्योंकि देखो ये किसी भी प्रकार कर लो आप, फिर आपको देखो बोर्ड मास का नियम भी प्रयोग यहाँ पर करना चाहिए ताकि आपको एकदम क्वेश्चन है ना वो सही उत्तर जा सके, हमारा कोई भी हालत में गलत ना हो, ताकि आपको हमारा सही उत्तर मिल सके। तो हम चलो इसको काट देते हैं, 6 × 4 = 36 होता है आपका, और यहाँ पर लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पर देखो 2 से काटते हैं, 3 और आपका 20, ठीक है ना, 3 और 20 आ गया। फिर हम इसको काटते हैं आपका, ये आ गया 27 थी 81 तो होता है, 27 थी 81 नहीं होता क्या, 7 थी 18 नहीं होता, सॉरी 27 थी 81 नहीं होता भैया, ये 9 × 9 = 81 होता है ना, 9 × 9 = 81, और ये 3 कट गया आपका, जैसे 9 के फाड़े से कट रहा है तो ये 3 के फाड़े से कटेगा आराम से, 3 × 2 = 6 बचा 1, और उतारा 2 × 2 तो बचा नहीं, 2 × 2 = 1, 21 × 7 = 21 आपका आ गया ना, ये 27 आ गया, मैंने पहले सही बोला था। फिर यार फिर आपको इसको यदि मल्टीप्लाई करोगे ना आप, तो आपको कितना आना चाहिए मैं बता दूँ आपको, इसको यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं, देखो मल्टीप्लाई किस प्रकार करना है आपको, इसको छोड़ना है पहले तो आपको, 41 को 2 से गुणा करो, पहले तो 27 × 54 होता है आपका, ठीक है ना, 27 × 54 होता है, फिर इसको 41 से गुणा कर दो, 41 से मल्टीप्लाई करो आप, 4 × 5, ठीक है ना, 5 × 4 = 16, 5 × 20 = 21, ठीक है, 4 × 5 = 11, 1 + 1 = 1, और 1 × 1 = 2, ये आ गया आपका 22 = 140, ये इसका आंसर हो गया। इस प्रकार आपको आंसर निकाल ले। अब कई बच्चे बोलेंगे इसमें टाइम ज़्यादा लगता है, भैया सवाल ही ऐसा है आप इसमें टाइम लगा के यदि क्वेश्चन को कर लोगे, पर कई कैंडिडेट होंगे ऐसे जिनको इसे छोड़ के देख के छोड़ देंगे, तो भाई बेसिक से चलो, जो आपको कर रहे हैं ना वो बेसिक से करो यार, आपको बता दूं बेसिक आपका जितना आपका जो आपका मेन बेसिक होता है ना जितना मजबूत होगा ना उतना ही आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो ये आपको ऐसे आपको वर्गों का आगे योग निकालना है। एक अगला टाइप और कर लेते हैं, फिर जो आपकी 5 बचा टाइप है ना वो हम कल की क्लास में करेंगे। चलो एक अगला टाइप और कर लेते कौन सा अगला टाइप कौन सा आपका, तो मैं आपको बता देता हूँ, आपका अगला टाइप होगा आपका n लगातार संप्राकृत वर्गों का योग, टाइप नंबर 5, n लगातार संप्राकृत वर्गों का योग, समझ गए आप, जैसे 2 × 4 = 6 / 8 / 10 यहाँ पर आपका लिख देता हूँ मैं 20, इसका आपको योग याद करना है। देखो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र याद रखना, 2n + 1 / 3, ये इसका सूत्र होता है। ये होता है ना इसका सूत्र,
ये इसका सूत्र होता है। कोई कैंडिडेट पढ़ा तो बता देना, ये सूत्र होता है इसका। मैंने जहाँ तक डाला ये सूत्र सही है। देखो ये सूत्र एकदम बिल्कुल सही है। मैं बता दूँ आपको, जितना मैं पढ़ाऊंगा ना बिल्कुल सत्य पढ़ाऊंगा आपको, झूठी नहीं चीज पढ़ाऊंगा। चलो आप याद कर लेते हैं, क्वेश्चन को देख लेते हैं। आपको याद करने का सूत्र का तरीका बताता हूँ। ए टू प्लस नहीं, टू कोस टेक एन प्लस एक इजिकल टू टू एन प्लस एक बट्टा तीन। आपको ये सूत्र याद करना है, ठीक है ना। तो हम देखो मान रखते हैं, हम सूत्र में देखो एन का मान है हमारा 20, तो दो का दो रख देता हूँ मैं यहाँ पर, और आपका 20 प्लस एक रख देता हूँ, और आपका 2n 20 प्लस एक रख देता हूँ बट्टा आपका 3 कर देता हूँ। अब इसको सरल करो। देखो सरल करते कैसे करते हैं, 2 गुणा आपका 21 गुणा मल्टीप्लाई हो गया आपका 20 * 40 और 41 बट्टा 3, ठीक है। आपको याद करना 7 * 21, ठीक है ना। आ गया आपका 7। अब 7 को देखो किस प्रकार गुणा करना है, 7 * 2 = 14 * 41 इसे करना है ना आपको। तो इसको यदि आप 41 को ऐसे करोगे ना, इसे गुणा, तो ऐसे तो आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा, पर आपको एक बता दूं पूरा ऐसे होता है, 4 * 16, ठीक है। एक और आपका 4, 4 * 7 और एक 5, 576 हो गए इसके आंसर। तो इसका कितना हो गया, 576 हो गए, 7574 इसका आंसर हो गया। तो ये आपका देखो कितना अच्छा बढ़िया तरीके से मैथ पूरी कराने वाला हूँ। तो प्लीज़ यार वीडियो को पूरा देखा करो, ऐसी मैथ आपको कोई नहीं कराता। जो बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, वो आपको बस क्वेश्चन कराते हैं, और बड़े जो से लेवल के थे वो ही कराते हैं, और वो क्वेश्चन आपके आते नहीं, और वहाँ पर आप फंस जाते हो, और रोयल सा ये लो सा हमारा तो गलत हो गया। तो भाई ऐसा नहीं करना है, जो करोना बेसिक से कंसेप्ट से क्लियर करने की कोशिश करो। तो प्लीज़ आप बेसिक क्लियर करने की, पहले आप बेसिक क्लियर करो और बाद में आगे बढ़ो, ठीक है ना। तो ये बात मैंने टाइप नंबर 5 करा दिया आपके, और आगे भी आपको 6 नंबर से लेकर 11 टाइप है पूरे। तो पूरे आपको जो 6 नंबर 6 टाइप है वो कल आपको करा दूंगा, ठीक है। ये कैसी लगी क्लास आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और हाँ बता दूँ आपको, प्रत्येक दिन आपको मैथ की क्लास मिलेगी, रीजनिंग की क्लास मिलेगी, जीके की क्लास मिलेगी, हिंदी की क्लास मिलेगी, सबकी क्लासेस देने वाला हूँ। यार थोड़ी सी तबीयत खराब है, गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस कारण से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, सबकी हो जाती है, ये नहीं कि मेरी होती है, ठीक है। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाओ, और वीडियो को इतना शेयर कर दो कि हर कैंडिडेट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।